ये वाला कलेश इसने छेड़ दिया, अब देख लीजिए तू गवाह है चश्मदीद। Yeah, yesterday night I slept around 12-12:30 if I'm not wrong, and still I woke up around in the evening around 4. That's pretty wrong, but मेरे को जहाँ तक positive sign ये लग रहा है कि मेरा सारा sleeping का schedule जो था वो line पे आ गया होगा, क्योंकि मैंने extra sleep अपने हिस्से की जो मेरे को इतने दिनों से लेनी थी वो ले ली है। So I hope आज रात को भी मैं अब time पे सो जाऊँ और कल सुबह मस्त time पे उठूँ। हाँ, मेरी बीच में एक बार 10 बजे नींद खुली थी, ऐसा नहीं है नहीं खुली थी, बट वो ये तब भी डगमगा के मैं सो ही गया था। नेवर माइंड, अभी मेरे को निकलना है, अपनी स्कूटी का काम कराना है, वो आज पार्ट आ गए होंगे तो मैं आज जाता हूँ सर्विस सेंटर, इसमें फटाफट काम कराता हूँ जब तक ब्लॉग रेंडर हो रहा है, इसको अपलोड भी लगाता हूँ, देन आई विल लीव। क्यों करो दीदी, बताओ क्या हो गया दीदी, बताओ क्या हो गई है बेटा। दीदी को वो थी ना हैंडीकैप वाली सीट, उसमें मेट्रो में वो भी मिल जाएगी दीदी को इजीली। भाई अभी एक मिस्ट्री रह गई है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ कल से। कल मेरा शाम तक फोन एकदम सही था, कहीं नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शाम और रात तक भी सही था, लेकिन रात से लेकर सुबह के बीच में कहीं गिरा नहीं है फोन, जहां मैंने फोन चार्जिंग पे लगा के रखा था वहीं था, लेकिन उस ड्यूरेशन के बीच में नींद के बीच में एक ये इस साइड से पूरा टेम्पर पे क्रैक है और एक इधर नीचे से पूरा टेम्पर पे क्रैक है, कैसे आई डोंट नो। अभी मिस्ट्री क्या है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सॉल्व नहीं होती ना तो ये मेरे को दिमाग खराब कर देगी, मेरे को नया टेम्पर लगाना पड़ेगा। भाई ये इस 2 महीने की ड्यूरेशन में तीसरा टेम्पर लगेगा नया, मतलब इससे पहले वाला भी टूट गया, ये भी टूट गया, अब और भी टूट जाएंगे। भाई ये क्या हो रहा है, टेम्पर ग्लास टूटे जा रहे मेरे फोन पे, ये सही है। वैसे अमेज़न ने बलून पड़ा, मेरे को बहुत तगड़ी चुल हो रही है कि मैं इसे निकाल के उड़ा दूं, लेकिन अगर उड़ा दिया तो मम्मी पापा मेरे को उड़ा देंगे घर से, क्योंकि बेटी को हाथ लगाने से पहले मम्मी पापा से बात करो, हमारे घर में ये सिचुएशन चलती है, बेटे को हाथ लगाओ, अरे मार दो, कूट दो, लाते मारो, कोई दिक्कत नहीं, चाटे धरो, लेकिन बेटी को हाथ लगाने से पहले माँ बाप से बात करो, हमारे घर में ये सिचुएशन है। वाह वाह मोदी जी वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सीमा तो बाहर ही बैठी है। दीदी दीदी भाई, लेकिन आज कितने लोगों का बर्थडे है, आज नेमार जूनियर का बर्थडे, आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बर्थडे, चलो वो तो ठीक था, आज फिर रबजोत का ही बर्थडे, फिर जिया की बहन जो वृष्टि है उसका ही बर्थडे, मेरे नोन में इतने लोगों का और बर्थडे, ऊपर से सब छोड़ो क्या बोलते हैं किसी ने पार्टी में ही नहीं बुलाया, लेकिन दुख ये होता है फ्री की में थोड़ी रोटी तोड़ लेता, एक प्लेट में ज्यादा ऐड हो जाती तुम्हारी, एक हिस्सा में ज्यादा खा लेते तो क्या जाता भाई, इतना खर्चा कर रहे तुम सब, मेरे हिस्से का भी कर देते, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं ना कोई बात नहीं, इसका बदला भी लिया जाएगा, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, पत्थर से नहीं बट ईंट का जवाब हम पत्थर से जरूर देंगे। और आज जब एक का बर्थडे है तो सब उधर जाएंगे, ये भी तो सीन है, तो मतलब आज कोई नीचे नहीं आएगा, बट श्री कल आइए वापस, तो आई होप श्री और जिया के साथ मैं कहीं बाहर जाऊँ, वरना गर्वित भैया के साथ तो जाना ही है, वक्त तो करता ही उनके दोनों गर्वित भैया, यार कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो अपने साथ लोग घूमने वाले कमी ही नहीं है अपने पास, ठीक है हमारे पास हर दिन के लिए बहुत लोग हैं, बट जिनमें लोग हैं घूमने में जो मजा आता है ना वो अलग बात है। अगर तुम्हें किसी के साथ भी घूमने हुए तो मैं जाने को किसी क्यूटी के पास जाके भी घूम लूँ उसके साथ, बट नहीं यार क्या करूँ मैं उससे मिलके, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है मिलने में, मैं बॉयज ग्रुप में ज्यादा रहना पसंद करता हूँ, या मेरी जो गर्ल साइड ग्रुप है वो उनमें भी गिने चुने लोगों के साथ ज्यादा रहना मैं प्रेफर करता हूँ, और आदर देन विद सम रैंडम फीमेल विच आई हैव नेवर मेट इन माय लाइफ, जस्ट गो आउट विद हर एंड मीट हर एंड चिल अराउंड, ना 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 आई एम गुड विद दैट, आई डोंट वांट दैट, सिंपल है भाई, ये थोड़ा रहता है इस एज में आके तो थोड़ा रहता है, मैं तो कहूंगा मम्मा मैं जा रहा हूँ बाय, फेल हो गई फेल हो गई फेल हो गई हम ही, चलो भाई चलते हैं, मस्त हमने गाना चला के पंप ले लिए, नादान परिंदे क्या पंप आया, अब जाते अपने काम कराते, अब मुझे पैसे भी ले लिए काम के, चीज थी 120 कुछ रुपए की, 200 ले लिए मैंने, तब छोड़ो जो लाइटिंग है बाहर आके मिल रही है ना आजकल मेरे को, एक तो डे लाइट और ऊपर से इन्होंने बल्ब लगा रखा है तो क्या लाइटिंग आती है इससे, वो क्या ग्लो दे देती है, और ये देखो यहाँ एक सेंटर होता ना टी का टाइप वो हो गया मेरा दाना, कोई बात नहीं अब जाके जो इम्पोर्टेंट काम है सबसे दिन से जो टाल रहा हूँ मैं वो करा के आता है, स्कूटी का फाइनली कुछ तो ठंकी लगे, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद में जाके सर्विस सेंटर प्रॉपर, ये तो एक्सपीरियंस सेंटर है, ये एक्सपीरियंस शोरूम के अंदर ही होती चीजें छोटे मोटे पार्ट्स, प्रॉपर जो रिपेयरिंग मेरे को करानी बॉडी वॉडी वो उधर जाके होगी, बट एक बार मैं पहले प्राइस कोड डाउन लूंगा, अगर इंश्योरेंस में भी हो जाए तो ठीक है, बोल दूंगा यार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में करो यार, वो जानी चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस में ही हो गया एक्सीडेंटल है तो, और मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी इतना लंबा इंश्योरेंस है तो वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए कराना, वरना मेरे को इन्होंने यही कहा था जब उन्होंने उस दिन भी बताया कि ठोक दो एक जगह मार दो और उसके बाद इंश्योरेंस ले लो, लेकिन नहीं यार वो मैं वो नहीं कर सकता, यहाँ चोट सीधा यहाँ दिल पे कि खुद की मेहनत की कमाई से लिया था, लगेगी यार चोट तो मैं खुद से तो कभी नहीं ठोकूंगा, ऑब्वियसली मैं कितना ही बोलूं और ठोक देंगे अरे कर देंगे, ना 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 खुद से, अगर एक स्क्रैच भी लगता है ना दर्द होता है यहाँ पे बहुत दर्द होता है, येट अगेन ओला समवेयर अराउंड डिसअपॉइंटिंग में कह रहा पार्टी नहीं आया, मतलब स्पेशली मेरे को बोला था मंडे को आना सर मंडे को मिल जाएगा, अब मंडे को आ गया मंडे को पार्टी नहीं है, अंदर एक SX है उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, ऐसे वेला बैठो बोर हो रहा हूँ क्या करूँ, ये बड़ा अजीब तरीका पासवर्ड डालने का भाई, ऐसे स्क्रीन में इधर से पासवर्ड डाल रहे हो ना, तो की वाली आ गई है नॉट चार्जिंग,
रेंज का है, रेंज 92 किलोमीटर 92% पे जा गई बजट वाली स्कूटी भाई। अपनी वाली के बाद ये चलाने में तो बहुत ही सस्ता सा फील आ रहा है भाई, मतलब क्रूज कंट्रोल इसमें भी है, रिवर्स इसमें भी है, लेकिन वही सस्ती फील आ रही है वो बहुत गलत। और इसमें बस स्पोर्ट्स मोड तक ही है, और पिकअप ठीक पिकअप है, ठीक ठाक पिकअप जिसे बोलते हैं वही है भाई ये, लेकिन ब्रेक्स का कोई भरोसा नहीं है, मैं ब्रेक्स इसका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इट्स ओके, इट्स गुड फॉर कमर्शियल यूज, जैसे जिप पे है वैसे के लिए ये ओला ने कमर्शियल बना दी, लेकिन अगर मैं अपनी S1N सबसे कंपेयर करूँ तो ना भाई, इट नेवर स्टैंड आउट एनीवेयर। ये स्पीकर वीकर भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है वैसा जो मेरी स्कूटी में है। मेरी स्कूटी का बस एक बेबी वर्जन है, बेबी का भी बेबी वर्जन है, अडॉप्टेड बेबी वर्जन है मेरी स्कूटी का, ये समझ लो। सारे डोनट्स खा लिए रात में, सारे के सारे, तीन थे एक सिनेमन था और दो चॉकलेट थे, दोनों खा गया मैं, तीनों खा गया, पेट भर गया मेरा। चलो भाई चलते हैं, काम तो हुआ नहीं बट वैसे श्री और जिया के साथ जा रहा हूँ मैं। श्री जैसे कल मैंने आपको बताया कल आ गई थी वो, अब आज मिल रहे हैं हम, अभी जरा कुछ खाने पीने निकलते थे, एक डेढ़ घंटे के लिए जाना, उसके लिए मेरे को अभी गाड़ी मिलेगी, फिर मम्मा को निकलना भी है, इनका बैक टू बैक काम चल रहे हैं। एक तो थोड़ी देर के लिए आते हैं तो सोने के लिए आता है, तो वैसे थोड़ी देर के लिए आते हैं ब्रेक के लिए, उसके हिसाब से मीटिंग अब है यार, स्ट्रेसफुल इनका भी अभी एक दो महीने और ही स्ट्रेसफुल चलेगा, उसके बाद शॉर्ट है। लेट्स गो फाइनली, अभी जाते हैं इनके साथ, थोड़ा हैंग आउट शैंग आउट करेंगे, मस्त दिन भर दोस्त मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा पूरी ग्रुप को एक साथ रियूनाइट होने में, लेकिन अगर होगी भी ना तो शायद मैं ना हूं तब, ये बड़े चोचले बाजे, बट कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा, बट ये होता रहेगा। अभी मैं जब कुछ टाइम बाद मुंबई चले जाऊंगा ना, तो श्री से तो मैं मिलता ही रहूंगा ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वो पुणे में रहती रहेगी ना, तो वहां से मैं ऑन एंड ऑफ जाता रहूंगा। हाँ ये हो सकता है यार, तो प्यास लग रही है, सुबह से पानी नहीं पिया जब यार, आप इतनी देर तक मैं तो यार मेरे को ना इन चीजों की वजह से आदत है कॉन्सर्ट में, क्योंकि पानी महंगा होता था, इतना महंगा 100 रुपए की और 10 रुपए वाली बोतल देते, इतना महंगा होता, मतलब सीधा 90% का कट मारते प्रॉफिट देख रहे हो, तो मतलब वो इतनी जो प्यास लग रही है ना मेरे को इस समय, और मेरे को तो कॉन्सर्ट में पानी की अहमियत समझ में आ जाती है भाई हमेशा, कि पानी बहुत जरूरी है यार। इनको ये तो अलाउड कर देना चाहिए कॉन्सर्ट में से कि बाहर से अपने पानी की बॉटल ले आओ, अलाउड ही नहीं करते। मेरे को तो एक बार पावर बैंक के लिए रोका था उसमें मार्टिन में, मैं गार्ड से लड़ लिया, मैंने अलाउड है पावर बैंक, ठीक है सिखाना मत मेरे को। बैक टू आवर ओजी स्पॉट, क्या बोलते 46, क्योंकि आना जरूरी है यहाँ मोमोज अगर खाने हैं तो, लेकिन हैपनिंग नहीं है, वीकेंड नहीं है ना, वीकडे तो इतनी हैपनिंग नहीं हुई है मार्केट, कोई बात नहीं भाई। मेरे को ये समझ नहीं आता लड़कियों के पास बातें करने के लिए कितनी बातें होती हैं, कितनी हम लड़के साला टॉपिक हमारे पे खत्म हो जाते हैं, इनकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही, इसकी एक बात खत्म हुई दूसरी चालू, दूसरी खत्म हुई तीसरी चालू, अरे मैं तो भगवान कसम परेशान, मैं पिज्जा लेने के लिए आ गया। हो गया भैया गाड़ी के पीछे गाड़ी लग गई यार, अब निकालूंगा कैसे, दोनों जगह गाड़ी और जगह ही नहीं है बिल्कुल, चुनर हट गई, जगह मिल गई, इससे पहले कोई और लगा जाए मैं जाके गाड़ी हटा लेता हूँ, सबसे पहले काम पिज्जा खा लूंगा बाद में। हो गया ना बेस्ट काम, गाड़ी हट गई, अच्छा पिज्जा बनवा लिया मैंने, वरना वेट करते रहते बेमतलब ही। अब ये लोग भी आ रहे हैं, हट जा हटो सब, हट जाओ जल्दी वहां से, हटो हटो हटो, तेरी बाइक कैसे तिरछी लगा रखी अगले ने भाई, ऐसी भरी मार्केट वाली पेश क्या बोल रहा हूँ, ऐसी भरी मार्केट वाली पार्किंग से ना गाड़ी निकालना बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं इसके लिए, मैं तो ये मानता हूँ भाई, इस चीज में ना मेरे पेशेंस टेस्ट हो जाते हैं, जो हाँ मैंने बहुत आराम से और पेशेंटली निकाली है, अपना टाइम लेके भाई, ये लोग आए बैठे, ओ भाई स्ट्रेस हो गया मेरे को, कहाँ गई बेल्ट कहाँ गई, अगर यही सिचुएशन तेरे साथ होती तो तू गाड़ी निकाल पाती, बिल्कुल भी नहीं, मैं रोने लग जाती, टू से द लीस्ट, दैट इज टू से द लीस्ट, दैट इज टू जस्ट कवर अप, आई वुड हैव स्टार्टेड क्राइंग, और अगर तेरे साथ जिया होता और मैं आउट ऑफ टाउन होता, नहीं पर वो मेरी हेल्प कर, मैं उस जगह में गाड़ी घुसाती नहीं, वो भी मुझे, अबे नहीं जैसे हमें भी खाली मिली जगह है ना, नहीं मेरे को वो खाली, मैं उसको कंसीडर नहीं करती खाली, चल अगर पूरी मार्केट खाली हो ठीक है और तूने लगाई और तू आधे घंटे के लिए कैफे में बैठी और उतने में पूरी मार्केट भर जाए जिस हिसाब से अभी भरी हुई थी, तो फिर तो मैं किसी और को बोलती निकाल, मैं सीन नहीं कर सकती भाई अपनी गाड़ी के साथ, ऑलरेडी एक बार ठुक चुकी है, मुझसे नहीं ठुकी थी किसी और ने ठुकी, तो मेरे से भी नहीं ठुकी मेरी गाड़ी, अरे वो तो कोई ठुक गया था ना पार्किंग में, तुम्हारी गाड़ी, ओए तेरी पार्किंग में ठुक गए लोग, कौन सा बॉयफ्रेंड था तेरा जो ठोक गया एक्स भाई, सोसाइटी में कौन सा था ओए, जिया क्या बात हो रही है, तो ये बात कहाँ से आ गई फिर, सोसाइटी वाला, सोसाइटी वाला एक्स कौन था, यार वो चैप्टर वो पागल है क्या, तू चुप रह, अब मेरे को ना पूरा फिर बैक स्टोरी देनी पड़ जाएगी व्लॉग में, ये तो जाएगा इसकी बैक स्टोरी में कभी जीवन में ना, तू बहन है मेरी, हाँ ये इसने ये वाला कलेश इसने छेड़ दिया, अब देख लीजिए तू गवाह है चश्मदीद, दिख रहा ये भाई, ये देखो भाई मेरी मेरी मेरे पे लांछन लगाए जा रहे हैं गलत गलत, मैकडी का जो US में स्कैम चलता है ना वो यहाँ भी हो गया है, आइसक्रीम मशीन नहीं चल रही है बेमतलब लाइन मारो, यार दे दो यार आइसक्रीम,
कब सही होती है दीदी मशीन? 4 महीने बाद कॉलेज से आ रही हूँ, एक आपका मशीन ही नहीं ठीक हुआ। देख लो अगर हो जाए एक कुछ हो जाए आइटम, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, छोड़ो। थैंक यू। आइसक्रीम जीत गया। अरे ज्ञानी से लेके चलता हूँ तेरे को, छोड़, तू ज्ञानी से खा। हाँ चल खाओ यार, खाओ खाओ। 300 रुपए का इज नॉट वर्थ इट। फेयर। क्या वो उस दिन जो तूने खाया था 300 का था? ओए भाई ओए, जिया खिला रही है। जिया मीरा हमारे बीच सबसे ज्यादा। 200 रुपए का एक स्कूप या आइसक्रीम का फ्रेंच वनीला फ्लेवर। फ्लेवर अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। वो ये पहली बार मैंने दूसरी बार मैंने नाम सुना जिलेटो। ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत चलती है आइसक्रीम ऐसे टाइप की, उधर की आइसक्रीम को जिलेटो ही बोलते हैं, वो है ये। लेकिन 200 रुपए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है इतना चलता ही है। क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, वो चेपी लगाने का मौसम है और मन भी है, तो आ गए। और क्या नहीं नहीं करी है, इंजेक्शन भी लगा, इंजेक्शन डॉक्टर ने कहा बम पे लगाया, यहाँ लगाया है। सॉफ्टी हो गया, सॉफ्टी हो गया, सॉफ्टी। क्यों भाई, बहुत जल्दी गर्मियाँ हिट करने वाली है, तो सीजन खत्म होने से पहले सोसाइटी का सूप पी लेते हैं। सोसाइटी का बढ़िया सा सूप है, क्योंकि उसके दिन याद तो आएगा। ओजी सूप मैंने बहुत टाइम से पिया भी नहीं है सूप, ऐसे ही मनसा ही नहीं कर रहा, मनसा कर रहा था लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए थे बीच में हमारे कि हम जा ही नहीं पा रहे थे। मजाक कर रहा है, पी रहा था मैं ऑन एंड ऑफ, पर वही है क्या बोलते हैं, ऑन कैमरा नहीं करते। देखो कॉल पे लगे बड़े, वॉक कर रहे हैं, कॉल पर लग रहे हो भाई, ठंडी हवा चल रही है, कब कभी से छूट रही है इस समय, ठंडी हवा चल रही है उसमें, और क्या बोलूँ मैं। मैं थियोस गया था, मैंने वहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया, आपको वीडियो दिखाऊं? नहीं देखनी। आपको जलीसी हो रही है ना? नहीं हो रही, आपकी शक्ल में पता चल रहा है थियोस से वंश भैया जिलेटो आइसक्रीम खा के आए, वॉफल्स और कोल्ड कॉफी एंड चीज सैंडविच, यम्मी, और वो भी मैक एंड चीज। जलसी हो रही है, चलती है मेरे से, चलती है, चल गई। ये देखो इसको इतनी भूख लग गई, जलसी इतनी हो गई कि अभी फोन खाने को हो रही है, जलस। ये मेरे फोन पे जो क्रैक आया ना, ये जो टेम्पर पे, मेरे को लग रहा है कि इसने काटा या कुछ करा है, एमी की बदौलत है ये। किसका कॉल आया? ये एमी की वॉच पे कॉल आने लग गए, इसकी वॉच फेंक दो। अच्छा अलार्म है, पता नहीं बैक टू बैक अलार्म बजते रहते हैं इसके। कर दिया जाए काम, वॉच तोड़ दी जाए। आपको जेलसी हो रही है? सच बोलो, सच बोलो। नहीं हो रही। पक्का? पक्का नहीं हो रही। और मैं ये भी बताऊं, मैंने पिज्जा खाया तो मुझे कुछ नहीं पता करता। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मैं क्यों बताऊं? बताओ ना, बताओ। मैं क्यों बताऊं? अरे बताओ ना, शायद मैंने वो नहीं खाई हो, बताओ। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। जेलसी हो रही है ना, जेलसी बोल दो, सच बोल दो, आज बोल दे मायरा, कहीं तू सच बोल दे। क्या बोलू बेटा? बेटा मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, मेरा एक हाथ नकली है। हाँ अमी जेटा, जेटा जेठालाल, जेठालाल। मजाक मजाक में मैटर सीरियस हो गया, पहले तो मैंने भी कुछ नहीं करा, फिर तो मैं अलग ही बैठा हुआ था। गलत है भाई ये, गलत है, दीदी के गलत लगी हुई है, यानी गलती से उनके पैर पे चढ़ गई। और लो मुझे भाई, और लो मुझे, गलत हो गया।